बकाया ट्यूशन फीस मांगने पर अभिभावकों ने किया हंगामा। सरसा पहाड़ी स्थित गुरु नानक मिशन स्कूल में अभिभावकों ने किया हंगामा। सरसा पहाड़ी स्थित गुरु नानक मिशन स्कूल प्रबंधक द्वारा पिछले 9 माह का ट्यूशन फीस मांगने को लेकर अभिभावकों ने स्कूल परिसर में जमकर किया हंगामा। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधक पर दबाव बनाने और बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाने की धमकी देने का आरोप लगाया। कहा कि जबकि पूरे देश अभी भी कोरोना महामारी लॉकडाउन की समस्या को झेल रहा है, ऐसे समय में घर चलाना मुश्किल हो गया है, स्कूल भी बंद है, इसके बावजूद स्कूल प्रबंधक लगातार हम सबों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। एक महिला अभिभावक ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर स्कूल प्रबंधक का मैसेज मिला कि आकर बच्चे की किताब का लिस्ट ले जाएं, परंतु जब वे महिला स्कूल पहुंची तो उन लोगों ने कहा कि पहले सितंबर महीने तक का फीस जमा करें, इसके बाद ही किताबें का लिस्ट दिया जाएगा। महिला ने कहा, हम लोग स्कूल फीस इंस्टॉलमेंट में देने की बात कर रहे हैं, परंतु वे लेने को तैयार नहीं। इधर इस संबंध में जब स्कूल प्रबंधक से संपर्क किया गया तो वे अपने पक्ष देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने बताया कि इस विषय पर हम आपसे बात नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं महिला अभिभावक से कि क्या कह रही है ट्यूशन फीस के बारे में। आइए तो यहाँ पे आप लोग मौजूद हैं, किस कारण से मौजूद हैं? हमें तो मैसेज मिला था मोबाइल में कि आप आके बुकलेट ले जाइए। जब यहाँ पे हमने आया तो बुकलेट हमें नहीं दिया जा रहा, सीधा बोल रहा है कि आप सितंबर तक फीस क्लियर कीजिए तभी देंगे। इसके पश्चात हम लोग उनसे टाइम मांग रहे कि हम लोग को टाइम दीजिए, एक सप्ताह 9-9 महीना का फीस देना। ऊपर से क्लास हम लोग का ऑनलाइन हो नहीं रहा, घर में बच्चे बैठे हुए, फिर भी हम लोग कंप्यूटर फीस देने, एक्स्ट्रा क्लास का भी फीस देने उसमें भी तैयार है, लेकिन एक साथ उनको 9 मंथ का फीस चाहिए जो अभी हम लोग लॉकडाउन के तहत नहीं दे पाएंगे। इनसे हम लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि आप लोग हमें 1 वीक का टाइम दीजिए, 2-3 मंथ का हम लोग फीस क्लियर कर देंगे, लेकिन इनका तरफ से हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। स्कूल प्रबंधक का क्या कहना है? स्कूल प्रबंधक पेरेंट्स से, अभिभावक से एकदम मिलना ही नहीं चाह रही, सीधा हम लोग को गेट से बाहर निकाल दे रही है ऑफिस से, हमें आपसे बात नहीं करनी है। क्या परेशानी आप लोग? सरकार से एक चीज पूछिए, जो गार्जियन अभी हालात से मार खाया हुआ है, उसके पास अभी रिसेंट पैसा जमा करने का औकात नहीं है, ठीक है, तो क्या उसके बच्चे को पढ़ने का हक नहीं है? स्कूल प्रबंधक का क्या कहना है? स्कूल का कहना है आप पैसा जमा करिए तब बच्चा को पढ़ाएंगे। कितने बच्चे का फीस लिए जा रहे हैं? कितने बच्चे का फीस लेते हैं? कितने महीने को बच्चे का फीस मांगा जा रहा है? स्कूल का क्या कहना है? स्कूल का कहना पैसा जमा करिए, 100 बात का एक ही बात, पैसा जमा करिए तब जाकर बच्चों को पढ़ाइए, उसके बाद आपको। अगला न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।